दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको दशहरे के पावन पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि श्री राम ने जब रावण का संहार किया था, तो इसी उपलक्ष में विजयादशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाते हैं। प्रिय भक्तों, श्री राम प्रभु ने रावण सहित अनेक दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार लिया था, किंतु आज हम जानने की चेष्टा करेंगे कि रावण जो एक ऋषि पुत्र और महान शिव भक्त था, उनके संहार के लिए स्वयं विष्णु जी को श्री राम अवतार में क्यों आना पड़ा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भक्तों ऋषि पुलत्स महान, सब वेदों के ज्ञाता थे जो हुए बड़े। पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, बार बार ध्यान भंग होने पर ऋषि पुलत्स को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वो गर्भवती हो जाएगी। इतना सुनकर सभी कन्याओं ने वहां आना छोड़ दिया, किंतु श्राप की इस बात से अनभिज्ञ राजश्री तृणबिंदु की पुत्री हवि भुरवा एक दिन ऋषि पुलत्स के आश्रम में आ गई। जब ऋषि पुलत्स की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो तत्काल गर्भवती हो गई। प्रिय भक्तों, जब इस बात का पता ऋषि तृणबिंदु को चला तो अपनी कन्या को लेकर वो ऋषि पुलत्स के आश्रम में आए और विनती करने लगे, हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने भूलकर आपके आश्रम में प्रवेश किया था, किंतु आपके श्राप से ये गर्भवती हो गई। कृपया इसे पत्नी रूप में अपनाकर मेरी मर्यादा भंग होने से बचाएं। ऋषि पुलत्स ने उनकी विनती को है मान लिया। हवि भुरवा और पुलत्स ऋषि ने फिर है विवाह किया। हवि भुरवा के गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। पति पत्नी ने अपने पुत्र को विश्रवा नाम दिया। जिनका
श्रवा भी वंश को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, ऋषि विश्रवा का विवाह मुनि भारद्वाज की पुत्री इड़विड़ा से संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, जब इड़विड़ा और ऋषि विश्रवा को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को वैश्रवण नाम दिया, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धनाध्यक्ष बना दिया। उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया। धन का स्वामी बनने के कारण इनका नाम कुबेर हुआ। प्रिय भक्तों, उसी समय पर राक्षस राज सुकेश के तीन पुत्र थे। तीनों बड़े ही क्रूर राक्षस थे, जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान थे। तीनों भाइयों ने तीनों ही लोकों में आतंक मचा रखा था। सभी देवताओं की विनती पर विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर इनसे युद्ध करने आए और उन्होंने अपने सुदर्शन से माली और माल्यवान के शीश काट दिए। तब सुमाली भयभीत होकर पाताल में आकर छिप गया। षड्यंत्र को समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। भक्तजनों, सुमाली की पुत्री केकसी बड़ी ही सुंदर थी और ऋषि के आश्रम में आकर अपनी कलाओं से उन्हें मोहित करके उनसे विवाह कर लिया। जब ऋषि विश्रवा को सुमाली और केकसी के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र दैत्य प्रवृत्ति के होंगे। इसके पश्चात केकसी ने उनसे विनती की कि स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप है कि मैंने अपने पिता की बात मानकर आपसे विवाह किया, किंतु अब मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ, अतः मुझे श्राप मुक्त करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर ऋषि विश्रवा कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला एक पुत्र विष्णु भक्त और चिरंजीवी होगा। शग्रीव है नाम दिया, उनका दूसरा पुत्र तो कुंभकर्ण कहलाया है और तीसरे पुत्र ने नाम विभीषण पाया है।
भक्तजनों, इस प्रकार दशग्रीव ने अपने पिता विश्रवा के सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इधर एक दिन माता पार्वती और शिव में वार्तालाप हो रहा था, तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो सब देवों के देव हैं, फिर भी कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। इसके विपरीत इंद्रादि सभी देवगण स्वर्ग लोक में सब ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप स्वर्ग से भी सुंदर एक नगरी का निर्माण हमारे लिए करवाएं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो जब जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया, एक स्वर्ण नगरी का फिर निर्माण है करवाया। ऐश्वर्यों से युक्त ऐसा तो होगा स्वर्ग नहीं, देख स्वर्ण नगरी को माता बड़ी प्रसन्न हुई। किंतु ग्रह प्रवेश करने का जब है समय, फिर ऋषि विश्रवा को ही बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। जनों, भगवान भोलेनाथ ने जब विश्वकर्मा जी द्वारा स्वर्ण नगरी, जो कि लंका के नाम से जानी गई, का निर्माण करवाया, तब ग्रह प्रवेश की बारी आई तो उन्होंने यज्ञ के लिए ऋषि विश्रवा को आमंत्रित किया, जिनके साथ उनकी पत्नी कैकशी भी आई थी। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब दान और दक्षिणा के लिए ऋषि विश्रवा की इच्छा पूछी गई, तो उनकी पत्नी कैकशी के कहने पर दान में वो स्वर्ण नगरी ही मांग ली, जिसका माता पार्वती ने स्वयं के लिए निर्माण करवाया था। भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि विश्रवा को सोने की लंका दान में दे दी, किंतु माता पार्वती इससे बड़ी क्रोधित हुई और कैकशी को श्राप दे दिया। पुष्पक को रावण नीचे ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। जनों, दशग्रीव को भोलेनाथ ने ही रावण नाम दिया, इसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे। इस समय रावण को मिले श्रापों का हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला श्राप इनके पिता विश्रवा का ही था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा श्राप माता पार्वती ने इनकी माता कैकशी को दिया,
जब छल पूर्वक इन्होंने लंका को दान में मांग लिया। तीसरा श्राप इन्हें अप्सरा रंभा के कारण नल कुबेर ने दिया, जो कि इनके सौतेले भाई कुबेर के पुत्र थे। बात उस समय की है जब रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर मोहित हो गया। इस पर रंभा ने रावण को बताया कि वो नल कुबेर की अर्धांगिनी बनने जा रही है। इस प्रकार से तो वो उनकी पुत्रवधू हुई, किंतु रावण ने उनकी बात नहीं मानी। जब ये बात नल कुबेर को ज्ञात हुई तो उसने श्राप दिया कि यदि तुम किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूलोगे तो तत्काल तुम्हारे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक और श्राप इन्हें वेदवती ने दिया था। एक बार जब वेदवती विष्णु जी की तपस्या में लीन थी तो रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहे थे। रावण ने देखा कि कोई अप्सराओं जैसी कन्या अकेली वन में तपस्या कर रही है, तो रावण ने तत्काल ही अपना पुष्पक विमान नीचे उतार कर वेदवती से दुराचार करना चाहा। वेदवती ने तत्काल अपने प्राण त्याग दिए, किंतु रावण को श्राप दे दिया कि परस्त्री के प्रति तुम्हारा मोह ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। प्रिय भक्तों, रावण को भगवान श्री राम के पूर्वज राजा अनरण्य ने भी श्राप दिया था, जो रघुवंशी राजा थे। एक युद्ध में रावण के हाथों ही राजा अनरण्य मृत्यु को प्राप्त हुए। तब प्राण त्यागने से पहले उन्होंने भी श्राप दिया कि मेरे ही वंशज के हाथों तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। प्रिय भक्तों, इतना ही नहीं, रावण को उसकी बहन सुरूपनखा ने भी श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार सुरूपनखा का विवाह विद्युत जीवा से हुआ था, जो कि राजा कालकेय का सेनापति था। जब रावण और कालकेय का युद्ध हुआ तो विद्युत जीवा की भी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सुरूपनखा ने भी रावण को श्राप दे दिया कि मैं ही एक दिन तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। किंतु भक्तों, ऐसा नहीं है कि रावण पापी ही था, वो महान शिव भक्त भी था। इसके साथ ही महापराक्रमी और वेदों का ज्ञाता था। चारों वेद और 6 शास्त्र उसने कंठस्थ कर लिए थे, किंतु अपने कर्मों के कारण वो भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं उनकी शिव भक्ति और पराक्रम के विषय में। जनों, पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि रावण ने 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की थी। हर 1,000 वर्ष में अपना एक शीश काटकर वो शिवलिंग पर चढ़ाते थे। जब 10वां शीश काटने लगे तो भोलेनाथ ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। रावण ने वरदान मांगा कि मुझे देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी कोई परास्त न कर सके। भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। स्वयं भोले ने ही इनकी नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इसके पश्चात रावण ने भोलेनाथ को लंका में चलने का निवेदन किया, जिस विनती को भोले मान भी गए, किंतु शर्त रखी कि यदि तुम शिवलिंग को बीच राह में रख दोगे तो फिर नहीं उठा पाओगे। रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान तो था ही, वो भी शर्त मान गया। किंतु रावण को जब लघु शंका लगी
तो उसने एक ग्वाले को शिवलिंग दे दिया और स्वयं लघुशंका से निवृत्त होकर आया तो शिवलिंग को धरती पर रखा हुआ पाया। कहते हैं ग्वाला रूप में स्वयं विष्णु जी ही थे जो शिव को लंका नहीं जाने देना चाहते थे। इसके पश्चात रावण ने शिवलिंग को उठाने की चेष्टा की और अपना पूरा बल आजमाया, किंतु रावण शिवलिंग को उठा नहीं सका, फिर उसे अंगूठे से दबा दिया। प्रिय भक्तों, यही बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसकी संपूर्ण कथा हमारे सोनोटेक भक्ति और त्रिमूर्ति भक्ति चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। भोलेनाथ की रावण ने बड़ी कठिन तपस्या की, शिव तांडव स्रोत के रचयिता है रावण ही, जब चाहे भोले के दर्शन को वो चलाए, इस कारण ही जनों। कहते हैं एक बार रावण ने अहंकारवश कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा, तब भोलेनाथ ने अपने पांव से कैलाश को दबा दिया, तब रावण का एक हाथ भी नीचे दब गया और वो पीड़ा के मारे जोर जोर से रोने लगा। तभी भोलेनाथ ने दशग्रीव को रावण कहकर पुकारा था। भक्तों, ऐसे इनका नाम रावण पड़ा। कहते हैं अभिमान सदैव विनाश का कारण बनता है और अपने अभिमान के कारण ही रावण का वंश सहित विनाश हुआ, जिसके लिए स्वयं विष्णु जी राजा दशरथ ने पुत्रेश के यज्ञ भक्तों किया, चार पुत्रों का फिर उनके घर में जन्म हुआ, गुरु वशिष्ठ ने स्वयं किया है जिनका नाम करण, राम लक्ष्मण और भरत छोटे का शत्रुघ्न, जन्मे राजकुमार अयोध्या नगर में खुशी मनाई, चारों भाइयों ने शिक्षा भी गुरु वशिष्ठ से पाई, राजा दशरथ की सभा में विश्वामित्र है लक्ष्मण को आश्रम में वो ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार, श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। जनों, गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर ही श्री राम और लक्ष्मण जी ने ताड़का और सुबाहु जैसे अनेक दैत्यों का वध किया, फिर ऋषि गौतम की कुटिया में आकर अहिल्या उद्धार भी किया। गुरु विश्वामित्र ही उन्हें जनकपुरी लेकर गए, जहां श्री राम ने शिव का धनुष तोड़कर माता सीता को पत्नी रूप में अपनाया, साथ ही माता सीता की बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री
श्रुत कीर्ति का विवाह भरत से तथा श्रुत कीर्ति की छोटी बहन मांडवी का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। अब राजा दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते थे, किंतु अपने दिए एक वचन के कारण उन्हें श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा और भरत को राजा घोषित कर दिया। माता सीता और लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा मानकर श्री राम वन में आ गए और पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवासी होकर पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अपनी बहन की दुर्दशा देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और प्रतिकार लेने के लिए अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी में भेज दिया। माता सीता ने प्रभु राम से कहा, मुझे ये मृग चाहिए। प्रभु राम उसे पकड़ने गए तो मायावी मृग ने प्रभु राम की आवाज में कहा, भाई लक्ष्मण बचाओ। तो माता सीता के कहने पर लक्ष्मण भी चले गए और रावण ने साधु वेश बनाकर माता सीता का हरण कर दिया। माँ सीता की खोज में राम लखन है भटक रहे, माता शबरी के आश्रम में भी वो तभी गए। प्रेम पूर्वक मीठे बेर शबरी के हाथों खाए, दर्शन पाकर प्रभु राम के शबरी धन हो जाए। किष्कंधा पर्वत पर आकर मिले उन्हें हनुमान, मित्रता की है फिर सुग्रीव से दिया उन्हें सम्मान। बाली वध भी प्रभु राम ने फिर तो कर दिया, सीता माँ की खोज में तब सुग्रीव ने साथ दिया। वानर सेना लेकर सागर तट चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तों, अब श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। माता शबरी के आश्रम में भी वो तभी पहुंचे और वहां माता शबरी ने प्रेम पूर्वक मीठे बेर अपने हाथों से उन्हें खिलाए और उनके दर्शन पाकर वो धन्य हो गई। फिर किष्किंधा पर्वत पर उन्हें हनुमान मिले और उन्होंने सुग्रीव से उनकी मित्रता करवाई। बाली वध भी तो श्री राम ने ही किया। सीता माँ की खोज में सुग्रीव ने उनका साथ दिया और वो वानर सेना लेकर सागर तट की ओर चल पड़े।
चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार लंका दहन करके हनुमान जी माता की चूड़ामणि निशानी लेकर प्रभु राम के पास आए। प्रभु राम ने देखते ही हनुमान को सीने से लगा लिया। प्रिय भक्तों, जब हनुमान लंका दहन करके चले आए तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि प्रभु राम को साधारण नर समझने की भूल न करे और माता सीता को लौटाकर उनसे क्षमा याचना कर ले। किंतु रावण ने लात मारकर विभीषण को ही लंका से निष्कासित कर दिया और विभीषण प्रभु राम की शरण में आ गए। तत्पश्चात वानर सेना की सहायता से सागर पर सेतु बनाकर लंका नगरी पर चढ़ाई की और वंश सहित रावण का संहार किया। प्रिय भक्तों, जब पाप पर धर्म की विजय हुई तो उस दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि थी। इस दिन प्रभु राम ने रावण संहार करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी यानी दशहरा के रूप में मनाते हैं। धर्म की विजय हुई है, अंत में पाप गया है हार। इस उपलक्ष में मनाते हैं हम विजयादशमी त्योहार। पावन कथा सुनाते हैं, विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। श्री राम लिए अवतार, दो हुआ रावण संहार। हम आज दशहरा पर्व की भक्तों कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते हैं। विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाते हैं, हम कथा सुनाते।